का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि जो दुख का कारण अज्ञान। भाई और बहनों, जिस प्राणी ने इस जगत के अंदर जन्म लिया है वह कोई मरना नहीं चाहता। छोटा से छोटा वायरस और बड़ा से बड़ा मनुष्य और जो डायनासोर साथी कोई भी प्राणी हो वो मरना नहीं चाहता है। और दूसरी बात है कि वो दुख नहीं चाहता है। छोटा से छोटा प्राणी भी दुख नहीं चाहता है, दुख हो जाता है वो बात अलग है, पर वो चाहता नहीं है। दुख होने का अर्थ कारण ये है कि हम पीछे से लेके आए हैं। ये जो हमें मन वचन काया रूपी ये शरीर मिला है ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। यानी जो हम लेकर के आए हैं, सुख लेके आए हैं तो सुख मिलेगा, दुख लेकर के आए तो दुख मिलेगा। सुख का अर्थ होता है कि पुण्य की प्राप्ति और दुख का अर्थ होता है पाप की प्राप्ति। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये हम लेकर के आते हैं और हम प्रतंत्र हैं इसके अंदर। हम इस मारे को इसके अंदर कोई बदलाव करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये नियति भी है, हम तो एक सांस भी अधिक जो हमारा प्रारब्ध हृदय है उसके अतिरिक्त एक सांस भी नहीं ले सकते हैं। सांस का संबंध है हमारे आयुष्य कर्म से। जितना जितना आयुष्य कर्म होता है वो तो सांसों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है सांसों की संख्या में। तो सांस की संख्या फिक्स है, उसकी संख्या को एक भी घटाना बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। भगवान महावीर को जब उनका निर्वाण होने वाला था, जब वो मोक्ष जाने वाले थे, तो पावापुरी में आज से 2500 साल पूर्व जो है लिच्छवी गण राज्य के बहुत बड़े बड़े 18 जो है गणों के राजा उपस्थित थे और उन सब ने जो है प्रार्थना की। देव भी मौजूद थे, क्योंकि भगवान निर्वाण को जाते हैं तो देव तो मौजूद रहते ही हैं। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। सबसे पहला च्यवन कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा दीक्षा कल्याणक और चौथा जो है केवल ज्ञान कल्याणक और 5वां निर्वाण कल्याणक। तो भगवान मुक्ति को सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के मोक्ष को जाते हैं। तो उसके कुछ ही समय पूर्व उन सब ने निवेदन किया कि प्रभु हमारे को ज्योतिष ने बताया है कि आपके जो है वो इस समय जो जब आपकी मुक्ति होने वाली है तो वो भस्म ग्रह नक्षत्र आपके लगा हुआ है जो आपके जन्म के समय में था, इसको आप कुछ सेकंड के लिए, आप तो भगवान हो और आप शक्तिशाली हो, कुछ सेकंड के लिए इस नक्षत्र को आप बदल दें, टाल दें, तो आप जो है युगों युगों तक जो है समोषण रचाते रहेंगे और हमको प्रवचन देते रहेंगे, हमको सनिधि मिलती रहेगी, आपकी कृपा हमको मिलती रहेगी और आपकी वाणी जिन वाणी सुनने का हमको अवसर मिलता रहेगा। तो भगवान ने क्या कहा कि न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा। तीर्थंकर भी अपने आयुष्य को एक क्षण न घटा बढ़ा सकता नहीं है, जो नियत है वही होगा। तो हम यही बात, मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ कि हम पीछे से लेके आ रहे हैं, वो नियत है उसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा जो है वो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो परिणाम है, वो तो हमारा उदय और प्रारब्ध है जो सुख दुख की अनुभूति देता है। तो परिणाम को कैसे बदला जा सकता है? परिणाम को तो हमको रिजल्ट तो वही मिलेगा जैसा हमने पेपर किया है। पूर्व जन्म में हम पेपर देख रहे आए थे, यानी जैसे जैसे भाव करके आए हैं, जैसे जैसे कॉजेज डाल के आए हैं, उस कॉजेज के अनुरूप जो है वो कर्म बीज पड़ता है, कर्म फल मिलता है और उस इस जन्म में वो द्रव्य कर्म के रूप में हमको कर्म फल मिलकर के सुख दुख की अनुभूति होती है। तो उसको हम बदल नहीं सकते, वो जीवन भर भुगतना ही पड़ेगा। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि दुख का कारण अज्ञान, तो अब हम जो ये भुगत रहे हैं और भुगतते समय क्या कभी सुख होता है दुख होता है? सुख दुख कैसे होता है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि कभी जो है हमारे को बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा फायदा हो गया, तो फायदा होने पर पैसे कमाए हमने, तो हम क्या है कि फूल करके कुप्पा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और थोड़े समय के बाद उसी धंधे में जब घाटा लगता है तो हम
निर्वाण, हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम एकदम नर्वस हो जाते हैं, तो क्योंकि उसमें हमको दुख हो जाता है। तो व्यक्ति सुख और दुख के पलड़े के अंदर जन्म जन्मांतर जीवन भर डोलता रहता है, तो इंसान थक जाता है। वो कहता है बार बार किराए का मकान लेता रहूं, मैं बदलता रहूं, तो उससे अच्छा है कि मेरे स्वयं का घर का मकान बना दूं, तो घर के मकान को बार बार मुझे बदलना नहीं पड़ेगा, और अपनी मर्जी मुताबिक उसके अंदर फर्नीचर डेकोरेशन करना, इंटीरियर डेकोरेशन उसके अंदर कैसे करना है वो मैं उसके अंदर करने को स्वतंत्र, क्योंकि घर का मकान है। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो दुख है, जो दुख का कारण अज्ञान है, ये पर है, और उसके बाद के सुख का कारण है हमारी आत्मा है। उस आत्मा को हम उज्जवल करते हैं, उस आत्मा को इस अज्ञान के कारण से हटा देते हैं, अज्ञान की वेल्डिंग को हटा देते हैं, तो आत्मा के अंदर हमारा जो है क्षायिक सुख है वो एम्बेडेड है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, हमें करना कुछ नहीं है। हमें तो इस जो है जड़ रूपी अज्ञान जो दुख का कारण है उस कारण को हटाना है, तो वो तो ऑलरेडी अपने आप जो शुद्ध आत्मा है, अपने आप जो उस प्रभाव के अंदर है, अपने आप उस प्रॉपर्टी के अंदर है, उसको हमें कोई प्राप्त करने में दिक्कत नहीं, वो तो ऑटोमोड पर है, वो तो जो ही जो है ये अज्ञान हटा, जो ही राग द्वेष हटा, तो वही भुवन भास की तरह वो प्रकाश में आ जाएगा, और प्रकाश में आकर के वो वीतराग, और जो है उसके बाद के अंदर जो केवल ज्ञानी वगैरह बन करके और ईश्वर का रूप बन जाएगा, इस शरीर के अंदर शाश्वत रूप से वो जो है केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद के अंदर वह इस शरीर के अंदर ही भगवान हो जाएगा। तो दुख का कारण अज्ञान है, ये बात जितने भी हमारे भारतीय ग्रंथ है या जो आत्मा में विश्वास होते हैं उन्होंने ध्वनि मत से उसको स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप, और जैसा काटोगे वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और दूसरा है विदाउट दी कॉज देर इज नो इफेक्ट एट ऑल, कोई ना कोई जो है वो कारण का कार्य होता है, तो कार्य कारण में बदलता है और कारण कार्य में बदलता है। तो हमारे भी जो जो दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है अज्ञान।